यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण, संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और इस कार्यक्रम में हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल्प पत्र अगले 2024 से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी मिलेगी। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब भी पार्टी की कोई भी गतिविधि होती है उस गतिविधि के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है। आज वो फिर इस चुनावी कार्यक्रम में और अन्य व्यस्तताओं के बीच में आप हम सबके बीच में हैं, आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र की को लोकार्पण होगा, लॉन्चिंग होगी, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हैं और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है, उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे
तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी, जनता को, गांव, गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती, और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी हैं। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है और ऑल वेदर रोड्स बनी हैं। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि गांव का सशक्तिकरण होगा, कभी गांव में भी कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को आपके नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ जोड़ा गया है। गरीब कल्याण की बात करें तो एक समय में यह असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीब तक अन्न पहुंचा सकेंगे, लेकिन आपने त्रासदी में भी अवसर ढूंढ करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया। 80 करोड़ की जनता को या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या और 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की। आज उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ लोग, भारत की आबादी आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके अबव पावर्टी लाइन में आ गई, बिलो पावर्टी लाइन से निकल गई, ये भी हमारे सामने। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अति गरीबी भारत में अब 1% से भी कम हो गई है, 0.08% पर ला करके खड़ा किया है। उसी तरीके से आवास योजना, मैं यहाँ बार बार सुनाता हूँ और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने की, क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी। एक समय में हमारे यहाँ हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बताता था कि एमएलए साहब, आपके यहाँ एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2, अब बताओ इसको किसको दें। और मेरे लिए प्रश्न होता था कि ये किसको दें, क्योंकि 1 अनार 100 बीमार मैं किसके दूंगा। मैं बीडीओ साहब को कहता था कि आप ही तय करो कौन से मापदंड पर आप दे सकते हो, लेकिन आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बन गए। और आगे भी इस कार्य को आगे जारी रखा गया है। उसी तरीके से महिलाओं की चिंता की बात करें, आज जनधन खाते में 50 करोड़ में से
55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खाते खुले हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, ये योजना आप सब लोग शहर में रह करके आपको लगता होगा हाँ गैस का सिलेंडर मिल गया, लेकिन ये इतनी ही छोटी कहानी नहीं है। हमारी बहनें गांव में 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, आ करके चूल्हा जलाती थी, फूकनी से फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी, धुआं को अपने छातियों पर लेती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता था और आंखों में पानी आता था, और घंटों के बाद वो जाकर के चाय बना पाती थी। आज 5 मिनट के अंदर गैस के चूल्हे के कारण नारी सशक्तिकरण किस तरीके से हुआ इस उज्ज्वला गैस के कारण, और 10 करोड़ सिलेंडर्स इस तरीके से और गैस के कनेक्शन दिए गए। सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा था और जब मैं कभी भ्रमण पर सुबह सुबह निकलता था तो मैं देखता था कि गांव की बहनें झुंड के झुंड सिर्फ अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए नेशनल हाईवे से होते हुए गांव और खुले में उनको शौच जाना पड़ता था। दैनिक जीवन में अपने इस तरीके का जीवन देखती थी, सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। आज 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम और लाइफ विद डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, वुमेन डिग्निटी, इसकी चिंता अगर हुई तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वो भी हम सबके ध्यान में। जैसा मैंने कहा, आज हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं, और क्लियर मैंडेट आपने दिया, उसका क्लियर नतीजा निकला, और वह नतीजा ये है, हमने 1951-52 में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951-52 से ये बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया। मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था, और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की, और हमने वो भी दिन देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी, वह वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा है। ट्रिपल तलाक, तीन तलाक, कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि तीन तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए, लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी, और आज त्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आजाद किया, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। उसी तरीके से 30 साल से राजनीतिक कारणों से नारी शक्ति वंदन और महिलाओं का रिजर्वेशन पर राजनीति होती रही, फॉर 30 ईयर्स, 30 साल कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ति और आप सबका सहयोग, 30 साल से जो कार्य नहीं हुआ वो 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करके, और अगली बार लोकसभा में 2029 में हम 33% सांसद हमारी महिलाएं बहनें होंगी, यह भी हम देखने वाले हैं इस तरीके से कार्य।
मैं मजबूत नेतृत्व का एक प्रमाण और एक विषय जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। यह कोविड जब आया तो शायद यह शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था। दुनिया नहीं जानती थी कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा, दुनिया के नेतृत्व भी नहीं जानता था कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा। आपको पता है बड़े बड़े विकसित देश अपने निर्णय प्रक्रिया में वह भी डमाडोल हो गए, वह भी लड़खड़ा गए, वह भी नहीं तय कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, आर्थिक विषय जरूरी है या मानवता जरूरी है, ह्यूमैनिटी जरूरी है या इकोनॉमी जरूरी है। और बहुत से देश, विकसित देश, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, इस बीच में वो पेंडुलम की तरह डोलते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मजबूत इरादे, दूरदृष्टि, इस बात को ध्यान में रख करके उन प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। और जहां हमारा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वहीं दो महीने के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया और फिर कहा जान भी है और जहान भी है, और फिर लॉकडाउन को हटाते हुए। और दुनिया के नेतृत्व ने और दुनिया के लोगों ने इस बात को माना, इस बात का लोहा माना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरोना से लड़ने का स्ट्रैटेजी और उनका तरीका दुनिया में स्थापित हुआ कि वह सबसे अच्छे तरीके से मानवता के लिए कार्य किया गया। इस बात को भी हमने देखा। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, हम तो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते थे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल बाद आई, कोई दवा 28 साल बाद आई, टेटनस की दवा 30 साल बाद आई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा यहां 100 साल बाद आई, लेकिन कोरोना प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन दी और 220 करोड़ डोज दे करके देश के लोगों को बचाने का भी काम किया। और देश के साथ साथ दुनिया को भी वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाई, यह भी हम लोगों ने देखा। और डबल डोज के बाद बूस्टर भी लगा, यह भी हमने देखा। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। 220 करोड़ की जनता को डबल डोज लगाना यह सबसे तीव्र गति और डिजिटली इसको सपोर्टेड प्रोग्राम रहा, यह भी हमने देखा। मित्रों, हमारे अभी आदरणीय राजनाथ जी मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र के बारे में आपके सामने सारी बातें रखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात की गारंटी। और यहां मैं स्वास्थ्य से जरूर जुड़ा हुआ विषय जरूर कहूंगा। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया 2014 में, और जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो वहां हमारे बारे में ऐसा सोचा जाता था कि ये वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैं, ये फॉलो करने वाले देश हैं। और उस समय बात चल रही थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, यूएचसी की बातचीत चल रही थी। हमने भी नहीं सोचा था कि हम यूएचसी में कभी कुछ कर सकेंगे, लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान भारत, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, 50 से 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गंभीर बीमारियों से लड़ने का, और आज वो सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम बन गया दुनिया का, वह भी हमने देखा। और उसके अगली बार जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो सब ने कहा प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट आयुष्मान भारत। तो ये एक हमने दुनिया के चित्र पर भी देखा कि कैसे भारत को आगे बढ़ाया गया, बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं एक बात फिर कहूंगा कि आज जो संकल्प पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसके बारे में जिनका हमें संबोधन मिलेगा, वह एक लंबी छलांग भारत को, विकसित भारत को पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेगा, यही मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का
और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। और अब राजनाथ सिंह, जो इस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से मैनिफेस्टो को लेकर जानकारी दी जाएगी, सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस संकल्प पत्र समिति की अध्यक्षता का दायित्व मेरे ऊपर सौंपा और मुझे इस बात का हर्ष है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है, चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। जब मोदी जी के नेतृत्व में हम 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उस समय में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। मोदी जी का के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। मित्रों, भाजपा अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से जहां स्वाभिमानी और सशक्त भारत के निर्माण का रोडमैप प्रस्तुत करती है, वहीं समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी देश के सामने रखती है। 5 साल पहले 2019 में संकल्पित भारत, सशक्त भारत के उद्घोष के साथ जो घोषणा पत्र हम लेकर आए थे उसमें हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत की एक संकल्पना रखने के साथ साथ 2047 के भारत की भी रूपरेखा देश के सामने रखी थी। उसी भावना के अनुरूप ही हमने 5 साल के संकल्प लिए थे और मुझे ये कहते हुए साथियों प्रसन्नता है कि साल 2019 में भारत के विकास एवं जन कल्याण के लिए जो भी संकल्प हमने लिए आज 2024 तक उन सब को पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है। हम लोगों को इस बात का गौरव है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करती है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे कृति और हमारे कथन में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। यह बात आज केवल भाजपा के लोग ही नहीं बल्कि देश के नागरिक भी मानने लगे हैं। यही विश्वसनीयता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, आज धारा 370 समाप्त हो चुकी है। हमने महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में 33% आरक्षण की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से नए संसद भवन का उद्घाटन होते ही पहला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में देश के सामने आया। साथियों, हमारे संकल्प पत्र में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात भी कही गई थी। आज अयोध्या में रामलला की नव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हमने अपने संकल्प पत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात की थी, आज उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमने इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास की बात की थी और गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण के प्रति संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि देश के 80 करोड़ से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2020 से लगातार मुफ्त राशन दिया जा रहा है और मोदी जी ने इस योजना को 2029 तक चलाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 5 वर्षों में संकल्पित भारत, सशक्त भारत के संकल्प को पूरा करने पर सफलतापूर्वक काम किया है। अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को
आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कंप्रेहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए, दूसरा संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए हैं। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए हैं। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है, इस विषय से जुड़ी कोई स्कीम चल रही है या नहीं और इसका हमारे मित्र देशों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी सावधानी बरती गई है। सभी बातों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है। साथियों, हर विषय की 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद हमने विषयों को 24 ग्रुप्स में बांटा है, 24 ग्रुप्स में से बांटा है। इनमें से 10 सोशल ग्रुप्स बनाए गए जिनमें गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान, श्रम शक्ति, मछुआरे, एसएमईज, विश्वकर्मा स्मॉल ट्रेडर, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन एवं सबका साथ सबका विकास, जिसमें समाज के अन्य पिछड़े व कमजोर वर्ग शामिल हैं। इसी तरह जीवन और गवर्नेंस के जुड़े मुद्दे के 14 सेक्टर में बांटा गया है इन्हें। और इनमें पहला है विश्व बंधु, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है। फिर है सुरक्षित भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय है। तीसरा है समृद्ध भारत। चौथा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। पांचवा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। छठा ईज ऑफ लिविंग। सातवां विरासत का विकास। आठवां है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। नवां है स्वस्थ भारत। दसवां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ग्यारहवां है खेल का विकास। बारहवां है सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। तेरहवां है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। और चौदहवां है सस्टेनेबल इंडिया, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और मुझे पूरा विश्वास है जिन संकल्पों को हम यहां रख रहे हैं वह 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जहां यह आकार भी देगा वहीं यह विस्तार भी देगा और उसे साकार करने में भी यह मददगार साबित होगा। साथियों, मैं यह भी आपको की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस संकल्प पत्र को तैयार करने में अपनी प्रतिदिन की अत्यधिक व्यस्तताओं के बावजूद हम सबके साथ देर रात तक बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उनके पास बैठने के बाद और उनके विचारों सुनने के बाद मैं स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा कैसा होगा हमारा विकसित भारत, जहां इस संबंध में उनके अंदर पूरी स्पष्टता है, वहीं पर आत्मविश्वास है कि यह हासिल होकर रहेगा। साथियों, इस इलेक्शन कमेटी की कन्वीनर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और जितने भी हमारे इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के, उन सभी के योगदान की मैं सराहना करता हूं। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा, साथ ही दिन रात सारे सुझावों को संकलित करना
अध्ययन करना और उसे संकल्प पत्र के रूप में तैयार करने में जो भूमिका हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने निभाई है, उसकी भी मैं विशेष रूप से मैं सराहना करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं। और ये वो तस्वीर, संकल्प पत्र का लोकार्पण इस समय बीजेपी मुख्यालय में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के संकल्प पत्र का लोकार्पण करते हुए, मोदी की गारंटी, यही बीजेपी का इस बार का संकल्प पत्र है। और मोदी की गारंटी जिसको लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बताया जा रहा है कि मतलब गारंटी पूरी होने की ये गारंटी है। और ये करके दिखाया, इसके समर्थन में बीजेपी की तरफ से राम मंदिर, अनुच्छेद 370 हटाना, किस तरीके से गरीबों के जीवन में परिवर्तन लेकर आना, गरीबी की रेखा से लोगों को बाहर निकालना, महिलाओं के लिए आरक्षण, जितने संकल्प बीजेपी के थे वो सब पार्टी ने एक एक कर पूरे किए हैं पिछले 10 साल में। और अब संकल्प पत्र जिसका नाम मोदी की गारंटी है वो जारी कर दिया गया है। इस मौके पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया और ये संकल्प पत्र जो बनाया गया है उसके लिए किस तरीके से एक पूरी एक्सरसाइज, एक पूरी कवायद को अंजाम दिया गया, 3 माध्यमों से सुझाव मिले, जिसमें राजनाथ सिंह जी की तरफ से जानकारी दी गई कि रथ के माध्यम से, संस्था व्यक्तियों के माध्यम से, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो सुझाव उन्हें मिल रहे थे वो पहुंचाए, और फिर ऑनलाइन भी, वीडियो संदेश के द्वारा भी, नमो ऐप के जरिए भी जो पार्टी को सुझाव मिले इस संकल्प पत्र के लिए, उनमें से अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और फिर मुद्दों को लेकर गहन चर्चा के बाद उनकी छटनी की गई, इस आधार पर कि गहराई से इस बात का आकलन किया गया कि अगर ये वादा घोषणा पत्र में किया जाता है तो फिर इस वादे को पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, फाइनेंशियल इंप्लिकेशन उसके क्या होंगे, ये जो वादा हम करेंगे 24 चुनाव के लिए, दायरा किसका होगा, केंद्र के दायरे में आएगा, राज्य के दायरे में आएगा, समवर्ती सूची का मुद्दा है क्या, ये इस तरीके से तमाम बारीकियों की पड़ताल करने के बाद बीजेपी ने मोदी की गारंटी वाला ये संकल्प पत्र तैयार किया है, जिसमें कुल 24 समूह, 24 ग्रुप्स जो हैं उन पर फोकस किया गया, और इसमें 10 जो हैं वो सोशल ग्रुप्स हैं और अन्य 14 जो हैं उसमें देश से जुड़े अन्य मुद्दों को जगह दी गई है। तो जो सोशल ग्रुप्स हैं उसमें महिला भी, किसान भी, मजदूर भी, युवा भी, तमाम वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये मोदी की गारंटी के नाम से बीजेपी का संकल्प पत्र जो जारी कर दिया गया है। अब धीरे धीरे कर इस संकल्प पत्र में जो बातें हैं, जो वादे किए गए हैं, उनकी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से हम देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो संकल्प पत्र मोदी की गारंटी वाला जारी किया गया है, उसी की प्रतियां जो है वो वहां पर समाज के अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि मौजूद हैं उनको भेंट की जा रही है, उनको सौंपी जा रही है। ग्रामीण भारत को लेकर भी इसमें विस्तार से एक रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि 2047 तक अगर विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो जाहिर सी बात है कृषि क्षेत्र से जुड़ा भारतीय आबादी का वो बड़ा हिस्सा, ग्रामीण इलाकों में रहने वाला हिंदुस्तान की आबादी का वो बड़ा हिस्सा, उसको आपको साथ लेकर चलना होगा, उसको आपको इतना मजबूत और सशक्त बनाना होगा कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके। और ऐसा ही देश की आधी आबादी नारी को लेकर भी जो विजन है वो भी इस संकल्प पत्र में इंक्लूड किया गया है। तो समावेशी एक तरीके से ये पूरा मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र जो जारी किया गया है, और इस बात को रेखांकित करते हुए कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो जो वादे रहे वो पूरे करके दिखाए। और इसीलिए तो बीजेपी का वो नारा और वो टैगलाइन भी कि सपने नहीं हकीकत है बुनते, इसीलिए लोग मोदी को चुनते। और इस बात का जिक्र आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी किया गया कि जो कहते हैं वो सिर्फ एक जुमला या वादा नहीं होता है, उसे पूरा करके दिखाते हैं। और यही विश्वसनीयता अब बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी, मतलब जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करके ही दम लेंगे। पिछले 10 साल में इनके विचार, आदतें बनते गए, सबका साथ सबका विकास, इनका परिश्रम
देश की प्रेरणा बनता गया। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इनके बोल बदलते गए गारंटी में और सही नीयत बदलती गई सही नतीजों में। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आने वाले 5 साल भी होंगे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। ये है भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल की व्यवस्था करेंगे। आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, आगे मिलता रहेगा। ये है भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। मध्यम वर्ग परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करेंगे। हर परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, नए शिक्षण संस्थान बने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो और पर्यावरण स्वच्छ हो। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार में पारदर्शी परीक्षाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और पेपर लीक पर भी बड़ा कानून बना है। अब इस कानून को लागू करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। और खेल वीरों तैयार हो जाओ, हम 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करेंगे। ये है मोदी की गारंटी। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टअप्स, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार का मंत्र है नारी तो नारायणी। शक्ति की वंदना करते हुए मोदी जी ने लखपति दीदी का विचार रखा और 1 करोड़ बहने लखपति दीदी बन भी गई हैं। आगे 3 करोड़ को बनाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए अवसर देंगे। साथ ही सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि समस्याओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास करेंगे। हम श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। हम कृषिगत शक्ति के रूप में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष विकास करेंगे। मछुआरों के जीवन छूते हर पहलू, जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मजबूत करेंगे। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। हम गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुली, घरों में काम करने वाले श्रमिक, सभी को ई श्रम पर जोड़कर उन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे। ये है मोदी की गारंटी। मेरे साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। भारत की प्राचीन योग की विरासत को एक एम्बेसडर बनकर मोदी जी ने दुनिया तक पहुंचाया है। आगे योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भारत देगा, ये मोदी की गारंटी है। विश्व भर में थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे। पिछले 10 साल साक्षी हैं, हर वंचित वर्ग को वरीयता देती है मोदी सरकार।
आगे 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे और एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम, 24/7 फॉर 2047। सब जानते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आगे भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी है मोदी जी की, और इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने की। हमारे शहरों को और लिवेबल बनाने की गारंटी है मोदी जी की। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार। विरासत से विकास के भी अनगिनत भव्य दिव्य उदाहरण हम देख चुके हैं पिछले 10 साल में। आगे हम विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे तथा अयोध्या जी का और विकास करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का हमारा मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। लागू होगी भारतीय न्याय संहिता भी। वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था आएगी। समृद्ध भारत बनाने के लिए विश्वकर्मा परिवारजन एमएसएमई और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने की, क्रेडिट देने की और उनके उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी है मोदी सरकार की। याद है हम सबको, 2004 से 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर अटकी रही और 10 वर्षों में मोदी जी भारत को 11वें से 5वें स्थान पर लाए, और आगे विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी है मोदी जी की। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेंगी, नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी, विश्व स्तरीय स्टेशन बनेंगे और आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, वाटर मेट्रो बनते रहेंगे और उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वीय भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की फीजिबिलिटी स्टडी भी आरंभ होगी। नॉर्थ ईस्ट में भी विकास यात्रा जारी रहेगी। तटीय, द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की भी तैयारी है। बीते 10 साल में भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में विश्व में पहचान बनाई है। अब हम स्पेस, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी जैसी टेक्नोलॉजीज में भारत को अग्रणी बनते देखेंगे। हम 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे और 6G टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना विकास अधूरा है, इसलिए हम 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे और पेट्रोल आयात को कम करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। जिन्होंने इस गरीब का दर्द महसूस किया है, उसकी आवश्यकताओं को समझा है और उसकी आकांक्षाओं को उड़ान दी है, और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। हम विकसित भारत बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। शांति, सुरक्षा और विकास की गारंटी मोदी जी की, तो उन्हें जिताने की गारंटी हम सब की। मोदी सरकार।
जोड़ का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ये वीडियो जारी किया गया है, घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र है बीजेपी का मोदी की गारंटी नाम से, उसके लोकार्पण के मौके पर। और महत्वपूर्ण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोग हैं उन्हें मंच पर बुलाकर इस संकल्प पत्र की कॉपियां भी दी हैं।